नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज के मतदान शुरू हो गए हैं और मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। एक तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें सिद्रा में जो चुनाव हो रहे हैं वहां की ये तस्वीरें, और आप देखें कि लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर सुबह से ही लगना शुरू हो गई है और लोग अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए इस समय बूथ पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी हैं, वृद्ध लोग भी हैं और एज्ड भी हैं, सभी लोग जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। क्या सोच विचार करके ये वोट डालने वाले हैं, ये सब बातचीत जो है वो इन लोगों से करेंगे। 22 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं, जिसमें 12 निर्दलीय हैं। यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आपको, ये सामने आप तस्वीर देखें, जो लोग मैदान में इस समय आज जिनको लोग वोट डाल रहे हैं वो उनकी तस्वीरें हैं, जिसमें जगदीश राज जी का पहला नंबर है और जुगल किशोर सेकंड नंबर, रमन भल्ला, नरेश कुमार चिब हैं, अंकुर शर्मा, एडवोकेट अंकुर शर्मा है, स्वामी दिव्यानंद हैं, रतन लाल हैं, शिखा बंदराल हैं, कारी जाहिर, आबास भट्टी भी हैं और काफी सारे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये 22 लोग इस समय अपनी किस्मत को आजमाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनीता शर्मा। अच्छा अनीता जी, क्या सोच के आज आप वोट डाल के आई हैं? वोट मेरा फर्ज था, मतलब जो एक नागरिक का होता है वो फर्ज था मेरा वोट डालना। हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं अपनी स्टिक के साथ अपना फर्ज पूरा करने के लिए आ गई। क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या सोच के इस बार आप वोट डाल रहे हैं? क्या सोच के? सोच तो यही होती है कि देश तरक्की करे, हर एक जो भी नेता आए वो थोड़ा अच्छा नेता हो, जो लोगों का भला करे, लोगों की सोच का ध्यान रखे। अपनी सोच तो होती है नेताओं की, वो तो अपनी अलग ही, बाकी यही है कि देश का सोचे। देखिए हर कोई जो भी नेता होगा है ना, वो तो अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो बाकी तो लोगों पर है, लोगों पर निर्भर करता है कि वो क्या सोच के दे रहे हैं, है ना। लोग तो एक बार क्या होता है कि एक तो धारा होती है, लोग बहते जाते हैं, कई बार लोगों को होता है कि उनको दे रहे हैं तो उनको ही देना है ना। तो कुछ लोग थोड़ा सोच के देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो किसको आना चाहिए। इस बार व्यवस्था की गई थी, जो जानकारी हमारे पास है कि व्यवस्था की गई थी, जो बुजुर्ग हैं, जो मतदान केंद्रों में नहीं पहुंच सकते हैं, उन लोगों के लिए घर में ही व्यवस्था की गई थी। लेकिन एक हमारे साथ बुजुर्ग महिला हैं, इनकी काफी एज लग रही है जैसे देख रहे हैं। माता जी की के ना थोड़ा हम बहुत है, कितनी उम्र होनी थोड़ी? 80 यहाँ पर पड़ गया, 80-90 दे बीच बीच। अच्छा घर नहीं आए वोट पाने? घर नहीं आए, इन्हें नहीं आख्या कि घर गए थोड़े वास्ते, तुसी इत्थे के घर गए पाओ वोट? नहीं आख्या? अच्छा सवेरे सवेरे तुस आइए। तो ये देखें, एक वृद्ध महिला है जो अपने वोट डालने के लिए सिद्रा में मतदान केंद्र पे पहुंची हुई हैं। और हैरानगी की बात यह है कि अगर ये कहा गया था कि बुजुर्गों के लिए व्यवस्था घर में है तो फिर घर में होनी चाहिए। बाकी हमने लोगों से बातचीत की और वो भी आपको बताई, और लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये बताते नहीं है कि किसको वोट डालना है, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो मत है और जो विचार यहाँ जानने को मिले उससे तो यही लगता है कि इस बार भी मोदी सरकार ही आएगी, ऐसा लगता है। इस पर आप भी विचार रखें, प्रतिक्रिया रखें और देखते हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।